हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। Live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें Wi-Fi Study चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें Unacademy पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, Wi-Fi Study में आपका स्वागत है। कैसे हो? बढ़िया दोस्तों। जैसा कि आपको ध्यान है दोस्तों, 27 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब ज्यादा दिन हमारे पास बचे नहीं है, तो हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक है एक आध उसको बाद में, पहले इंपोर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं तो फटाफट से एक तो शेयर कर दिया करो, है ना। मुझे अच्छा नहीं लगतेगा फिर आप कहोगे गुरुजी यार ये कर दिया वो कर दिया। जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि आज आपके सामने संधि के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, वो लेकर आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस बात को गौर करोगे और फटाफट से शेयर कर दो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल सब तैयार है। देखो 12 बजे चाहे 1 बजे, ये मत समझो कि 12 बज रहे हैं नौकरी के लिए, बेटा समय कोई मायने नहीं रखता है। ये दिन है, आज आपके सामने 8 तारीख हो चुकी है, अब 9 हो गई है क्योंकि 12 बज गए हैं, तो अब देख लो निकाल दो 27 में 28 में से, तो 20 दिन आपके साथ बचे हैं और 20 दिन आपकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से वो दिन रहेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान है कि अपन ने अपने जो प्लस कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया है, यूपी पुलिस का बूस्टर, तो उसके लिए भी बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। कुछ बच्चे कल कमेंट में पूछ रहे थे सर पैसे लगेंगे, भाई थोड़े से पैसे हैं तो उनको वो आप देखते रहिए, है ना, थोड़ा सा कर लें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, तो अपना फॉर्म फटाफट से फिल करो और तैयार हो जाओ। अपने आप को कम से कम 10-12 बार यूपी पुलिस के प्री एग्जाम दे चुके होंगे, इसके लिए जो मुख्य एग्जाम दोगे तब तक मामला सारा बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट से शेयर कर दो। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल स्क्रीन पे है आपके सामने, और बिल्कुल पहला क्वेश्चन है आपका जो है वो ये है कि किस शब्द में संधि गलत है, किस शब्द में संधि गलत है, यानी सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है, तो फटाफट से बताइएगा। ऑप्शन में सत प्लस मार्ग, तो इसका सन्मार्ग सही है, सत प्लस गति, सत प्लस चित्र सचित्र, ठीक है ना, सत प्लस शास्त्र, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा भाई? सही आंसर जो है वो आपका फोर्थ होगा, सही आंसर आपका फोर्थ होगा। निर्लेप का संधि विच्छेद क्या हुआ? यार फटाफट से शेयर करो, ऐसा मजा नहीं आ रहा यार, 1000 बच्चे 500 बच्चों में मजा नहीं आता है। निर्लेप का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है ना। तो निर्लेप का अगर देखो सच्छात्र की बात करूं तो इसका जो सही संधि शब्द बनता है वो अगर हम देखें तो आप ये कह सकते हो कि इसका जो सही संधि शब्द बनता है वो देखो यू बनता है, छह शास्त्र बनता है, तब जाके इसका जो संधि विच्छेद है वो सद्धन शास्त्र होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये बिल्कुल संधि विच्छेद तो सही है, लेकिन जो शब्द लिखा है वो थोड़ा गलत का है, इस वजह से थोड़ा ये करना पड़ा है भाई। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। अच्छा दिखा नहीं क्या तुम्हें? अरे इसके पीछे लिख दिया, यहां लिखता हूं। इसका जो है ये होता है सत्धन शास्त्र है, तो इसका ठीक है ना संधि विच्छेद, तो लेकिन इसका जो सही संधि शब्द है वो आपका यू बनेगा, छह शास्त्र, ठीक है ना, इस वजह से ये नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, गाय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गाय का होगा गय प्लस अक होगा, गाय का जो होगा वो क्या होगा? गय प्लस अक होगा, तो यहां पर सही आंसर फोर्थ होगा। निम्न में से किस शब्द में संधि विच्छेद है, ठीक है ना, पितृ अनुमति निरीह नौड्डा, तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो स्टार निरीह में भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर अपन सही आंसर नौड्डा मानेंगे। क्या मानेंगे भाई?
नवोड्डा मानेंगे। आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अब आगे देखिए, बहुत ही अच्छी इमेज है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सचंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अब बताइए सचंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था संधि में, आपको ध्यान हो तो, कि कहीं भी अगर कहीं भी आपके सामने तय के सामने चय जय जय हो, तो ये तय भी इसमें, तो इसका जो संधि विच्छेद है वो सतधन क्या होगा, चरित्र होगा। क्या होगा भाई, सतधन सरचंद्र होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, निष्ठुर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छा सूत्र पढ़ाया था संधि में, इक उनके साथ सट, तो इसका संधि जो विच्छेद होगा वो होगा निधन स्थुर। अरे क्या होगा भाई, निधन स्थुर होगा। चलो अगला क्वेश्चन आप बताओ फटाफट से, गुण संधि का सही उदाहरण है, फटाफट बताओ भाई यार, टाइम। अरे भाई शेयर कर दो यार, यूपी वालों क्या यार, तुम भी मजा नहीं आता ऐसे यार, ठीक है ना, तुम्हारे लिए जो कर रहे हैं तो फटाफट से एक बार शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे जो सो रहे हैं वो उठ जाएं, उनको फोन कर दो, आदि जो सो रहे हैं, चाहे 12 बज रहे हो चाहे 1 बज रहे हो, बेटा नौकरी के लिए वक्त कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि अपने जिंदगी में कितना समय अपनी स्टडी को दिया है, और उससे मिलने वाला जो प्रतिफल होता है बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो गुण संधि का शब्द बताइए कौन सा है। तो बिल्कुल सही आंसर एक होगा, महाधन ऋषि होगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द है, यण संधि से निर्मित शब्द कौन सा है। तो आप बताइए, सॉरी नहीं है, सॉरी क्वेश्चन है, यण संधि से निर्मित शब्द नहीं है, फटाफट से बताइएगा कौन सा शब्द यण संधि से निर्मित नहीं है, फटाफट से बताइएगा। अभ्यावेदन में है भाई, अभी प्लस आवेदन बिल्कुल होगा यण संधि का। स्वागत में है, सुधन आगत इसमें भी होगा, स्वाधीन में भी होगा, सुधन आधीन में, स्त्री उपयोगी में, तो सुधन आधीन नहीं होगा, ये स्वधन अधीन होगा, इसलिए इसमें दीर्घ संधि होगी और इसका सही आंसर दो होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। अरे थोड़ा मजा यार, थोड़ा अच्छा करो यार, थोड़ा फटाफट से शेयर करो, ताकि और भी बच्चे अपने साथ जुड़ सके और इसका आनंद उठा सके। आगे, निम्नलिखित पदों में से किस पद में संधि और समास दोनों है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताइए वह कौन सा पद है जिसमें संधि और समास दोनों है। फटाफट, जीवन मरण पंचतत्व लिखित और नीलाकाश बताइएगा। बोलो यार ऐसे कहां सुस्त पड़े हो अब तक, तो पता नहीं कितने पहले कमेंट में बिल्कुल तूफान मचा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आंसर होगा फोर्थ होगा, नीलाकाश, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होगा नीलधन आकाश और क्रमधारी समास होगा, नीला है जो आकाश। आगे, विद्यालय शब्द में है कौन सी संधि है भाई। चलो विद्यालय में यार, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछ लिया भाई, विद्यालय में तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और बिल्कुल इसमें स्वर संधि हुई और स्वर में भी यहां पर दीर्घ संधि मानी जाएगी। चलो आगे बताइए, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, बहुत ही अच्छा है। वैसे पवन में अयादि संधि, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो अब आप मुझे बता दो पवन में क्या संधि विच्छेद होगा, फटाफट से बताइए भाई, फटाफट जल्दी। बिल्कुल सही आंसर है, तो यहां पर अरे सोना नहीं है, यहां पर सही आंसर होगा पो प्लस अन, बेटा सोवत है जो खोवत है, जागत है सो पावत है, सो गए तो खो जाओगी कोई तुम्हारी नौकरी, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूं कि नौकरी लगी नहीं जाती है, नौकरी छीनी जाती है, और छीनने के लिए आपको शेर और जागना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा आंसर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस शब्द में गुण संधि है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस शब्द में गुण संधि है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो फटाफट बताइएगा गुण संधि है। आपको बहुत अच्छी ट्रिक पढ़ा रखी है, जो शायद ही किसी के पास है, लोग कुछ भी कहें कि अरे एक ओ भी गुण छे, तो बताइएगा गुण संधि किस में होगी, तो यहां पर होगी दूसरे में भारतेंदु, और इसका संधि विच्छेद होगा भारत धन इंदु। वेरी गुड, ए और ई मिलके ए में बदल जाएगा, दो आंसर यानी बी आंसर होगा इसका, बी होगा ना भाई,
आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महाधन उदय का सही संधि विच्छेद होगा, तो बताइएगा महाधन उदय का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा भाई? बोलो भाई, महाधन उदय का संधि विच्छेद कौन सा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर दिया है। और यहां पर होगा महोदय, क्या होगा? महोदय, वेरी गुड दोस्तों। आगे है इत्यादि का संधि विच्छेद है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इत्यादि का संधि विच्छेद है, तू बताइए पहले भी बताओ इसमें संधि कौन सी है भाई? अरे बोलो यार, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी स्टडी की है, मजा आ गया भाई। इत्यादि में संधि है, इसमें यण। अब यहां जो या दिख रहा है वही संधि है, क्या दिख रहा है? या, तो शब्द को अपन यहीं से तोड़ेंगे, तो इसका संधि विच्छेद होगा इति धन आदि। अरे क्या होगा भाई? इति धन आदि। अगर 5000 लाइव नहीं आए कल से, 2000 2500 5000, तो क्वेश्चन कम करवा दूंगा। ये मेरा नहीं, ये तुम्हारे ट्रस्ट बेटा, वाईफाई के प्रति तुम्हारी क्या सोच है, कितना तुम शेयर करते हो यार, थोड़ा मजा आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में स्टडी करवा रही है वाईफाई, थोड़ा तो मजा आ जाना चाहिए। ऐसे थोड़ा यार दिल टूट जाता है ऐसे करते हो ना तुम, है ना? ये मेरा शाक का सवाल नहीं है, आपकी शाक का सवाल है कि वाईफाई के प्रति आपका कितना प्यार और स्नेह है ना। तो लाइक कमेंट और शेयर में तो कंजूसी करनी ही नहीं है, ऐसे थोड़े दिनों में अगर आपका प्यार और इतना ही अच्छा स्नेह रहा तो इतना अच्छा सेशन लेके आऊंगा आपके लिए, जो शायद ऐसा हुआ नहीं हो, पूरे इंपोर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो बिल्कुल आपका प्यार इस प्रकार बना रहे, तो फटाफट से और कर दो, जिसने शेयर नहीं किया भाई शेयर करो फटाफट। मौसदम, बहुत अच्छी संधि है। पहले तो बताइए इस शब्द पर कितनी मात्राएं हैं? दो। तो जहां पर दो मात्राएं होती है वहां पर सीधी सी बात, संधि कौन सी होती है? वृद्धि होती है। और वृद्धि संधि सब प्यारा सा सूत्र मैंने आपको पढ़ा रखा है, एक वृद्ध औरत ऐनक लगाती है, अरे पढ़ाया है ना। तो यहां पर इसका संधि विच्छेद होगा महाधन औषधम, यानी ए आंसर होगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्रीस में कौन सी संधि है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीस शब्द दिया है और इसमें संधि पूछी गई है, ठीक है ना? तो ग्रीस जो संधि है, तो बताइए ग्रीस में, वेरी गुड। जहां कहीं भी दोस्तों बात को बहुत याद रखना है, आ ई और उ की मात्रा हो वही संधि दीर्घ होती है, तो यहां पर दीर्घ संधि होगी, दो आंसर होगा यहां, और इसका संधि अपन संधि विच्छेद कर सकते हैं। गिरी धन ईस, गिरी यानी पहाड़, ईस यानी स्वामी, जो पहाड़ों का स्वामी है उसी को हम ग्रीस कहेंगे। अगली हमारी संधि है भानुदय, तो भानुदय में पूछा है तो मतलब उ की मात्रा दिख गई है, तो सीधा सा आंसर ठोक दो भाई, कौन सा होगा? दीर्घ संधि, और संधि विच्छेद होगा भानुधन उदय। अरे क्या होगा भाई? भानुधन उदय। आगे है गंगोदक, आप देखिए गंगोदक है, तो गंगोदक में संधि कौन सी होगी? एक मात्रा है तो गुण संधि होगी, और संधि विच्छेद होगा गंगा प्लस उदक, अर्थात दो आंसर होगा। न्यून में, बिल्कुल चलो फटाफट बताइएगा न्यून में कौन सी संधि है? बोलो भाई फटाफट, न्यून शब्द में कौन सी संधि है? फटाफट से बताओ बेटा, न्यून में कौन सी संधि है? मजा नहीं आया भाई, न्यून में कौन सी संधि है? बोलो भाई फटाफट से। तो यहां पर यण संधि होगी, इसका संधि विच्छेद होगा निधन ऊन। अरे क्या होगा? निधन ऊन, वेरी गुड। ई और ए मिलके, ई और ऊ मिलके ऊ में बदल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे पावक में कौन सी संधि है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पावक में कौन सी संधि है? तो बिल्कुल आयादि संधि होगी, और मैंने कहा था वह और ये के बाद में आ जाए तो डबल मात्रा, तो इसका संधि विच्छेद होगा पोधन अक होगा। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नयन में कौन सी संधि है? तो नयन में बताइएगा नेधन अन, तो इसका संधि विच्छेद में अगर करें देखें हम, तो यहां पर जो संधि है आपकी वो अयादि संधि में बदल जाएगी। प्रत्युपकार, बोलिए फटाफट, अभी इसका उत्तर तो तुम ही दोगे भाई, बोलिए फटाफट से, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? बोलो भाई फटाफट से बोलिएगा, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है?
बोलो यार ऐसे, मजा नहीं आ रहा भाई। देखो ऐसे करोगे तो मजा नहीं आने वाला है। प्रत्युपकार में संधि विच्छेद होगा, प्रतिधन उपकार यण संधि है। निम्नलिखित में से आयादि संधि का उदाहरण है, ठीक है ना? तो बताइए आयादि संधि का कौन सा उदाहरण है? आयादि विश्वामित्र है, यद्यपि अन्वेषण है, तो यहां पर होगा गायन, गय प्लस अन, ठीक है ना? देखिए आप ज्यादा ज्यादा शेयर करोगे तो आपके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनका सेशन लेके आऊंगा, बहुत ही अच्छा वाला, शॉर्ट वाला, क्रेस्ट वाला, जिसमें से सारी चीजें वही आएंगी, ठीक है ना? घाघर में सागर वाला, व्यायाम में कौन सी संधि है? बिल्कुल यण संधि होगी और इसका संधि विच्छेद होगा वी प्लस आयाम। वेरी गुड भाई, बहुत ही अच्छा। आगे चलते हैं। इनमें स्वर संधि से बना पद है, बहुत अच्छा। अब बताइए स्वर संधि से बना हुआ पद यानी शब्द कौन सा है? अब ये तो बता ही दो यार, तुम स्वर संधि से बना हुआ शब्द तो बता ही दो भाई, फटाफट से बताइएगा कौन सा है। बोलो यार ऐसे क्या कर रहे हो? अच्छा वेरी गुड, दीक्षांत होगा। देखो सर चंद्र विच्छेद और तल्लीन इन सभी में व्यंजन संधि है, यहां पर जो सही आंसर है वो दीक्षांत होगा। किस क्रम में यण संधि नहीं है? कौन से क्रम में यण संधि नहीं है? तो बताइएगा कौन से क्रम में यण संधि नहीं है भाई, फटाफट से बताइएगा। वेरी गुड, यहां पर सही आंसर होगा महर्षि। क्या होगा भाई? महर्षि जो शब्द है उसमें गुण संधि है और अपने को पूछा है कि यण संधि नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? बोलो भाई बोलो, भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? भावुक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बोलो भाई भावुक का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, यहां पर थ्री आंसर होगा भो प्लस उके। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, अरे यार सीधी ये बात तो बिल्कुल सरल है, जहां पर दो मात्रा दिख रही है वहां वृद्धि, जहां नहीं दिख रही वहां है, तो अभ्यागत में यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा भाई? अभ्यागत होगा। तो आगे देखिए, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? फटाफट से बताइएगा किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है। बोलो भाई किस क्रम में नहीं हुआ है? तो यहां पर सही आंसर होगा रजनीश में है, अहंकार में है, अनुदित में है, तो यहां पर सही आंसर होगा अनुदित। वेरी गुड, किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है? भाई बोल दो यार, अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है? द्यानी, दे प्लस इनी, दा इनी, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? दा इनी, सी आंसर थ्री वाला होगा, ठीक है ना? शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है। अरे भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो यहां पर इस शब्द की रचना किससे हुई है, कोई बता सकता है आप में से? अरे बोलो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है, अब ये तो आपको बताना ही होगा भाई इसकी रचना किस शब्द से हुई है। अब बता दो यार फटाफट से किस शब्द से हुई है भाई। बोलो भाई, यहां पर सही आंसर होगा दो दोस्तों, तब प्लस ही, ठीक है ना? दो आंसर होगा यानी ए और बे की बात करें तो बे हो जाएगा, संख्या में देखे तो टू आंसर होगा इसका, ठीक है ना? आगे नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट है महेश शब्द का संधि विच्छेद है, तो बताइएगा महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहां होगा महाधन ईश होगा, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा भाई?
महाधने इस वेरी गुड, यही होगा भाई, बिल्कुल सही है। दो आंसर अन्वय का संधि विच्छेद होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अन्वय का संधि विच्छेद होगा। तो बताइए फटाफट अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहां होगा अनु प्लस ए, कहां है भाई ये, एक है आंसर, तो ये एक में होगा, ठीक है ना। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त शब्द पद कौन सा है, दीर्घ संधि किसमें है, देखो 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 एक बार देखो फटाफट, देतारी, बिल्कुल यही है दीर्घ संधि, देते प्लस अरी, थ्री आंसर होगा। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, तो बताइएगा परोपकार जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है, बोलिएगा फटाफट से, बोलो बेटा परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। अरे एक मात्रा दिख रही है ना, तो पूछने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपकी गुण संधि होगी, कौन सी होगी भाई, गुण संधि होगी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं नेक्स्ट इमेज की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा, एक सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको, परिष्कार में ही संस्कार है तो इसका संधि विच्छेद होगा समधन कृत, ये दो आंसर होगा इसका, ठीक है ना, बे वाला। आगे उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है, तो उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत्तधन चारण डबल चय डबल जय आ जाए, तो मैंने कहा था वहां तय करना है और बचा हुआ शब्द एज इट इज लिखना है, तो यहां होगा उत्तधन चारण। आगे वृक्ष छाया का, तो ट्रिक याद कर लो, स्वर छह, अगर स्वर के साथ छह मेल करता तो बीच में चा आता है और बीच में चा आ जाए तो छह का लोप कर दो, तो यहां पर सही आंसर होगा वृक्ष धन छाया, फोर्थ आंसर होगा भाई, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन, सद्भावना, तो सद्भावना का अगर बात करें अपन, तो सद्भावना का जो संधि विच्छेद है वो होगा सदधन भावना, क्योंकि मैंने आपको व्यंजन संधि पढ़ाई थी तो उसमें नियम बताया था कि तीसरे का पहला और पहले का तीसरा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला है हमारा परिच्छेद, तो वही नियम लागू हो गया, स्वर बराबर छह बराबर छह, तो कहीं भी अगर स्वर के साथ तो उसका सीधा सा संधि विच्छेद हो जाएगा परिधन छेद, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला हमारा है जगदीश, तो बिल्कुल ये तो बहुत सरल है, जगदीश का संधि विच्छेद कर सकते हैं जगत प्लस ईश, अरे क्या करेंगे भाई, जगत धन ईश होगा। आगे बढ़ते हैं, तो तद्रूप में, तो बिल्कुल ये भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है वैसे, ठीक है ना, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा तदधन रूप होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे दिग्दर्शन, तो यार ये तो बिल्कुल तीनों ही एक जैसे हैं, दिग्धन दर्शन होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपन, अगली है हमारी विसर्ग संधि का उदाहरण है, बहुत ही अच्छी संधि है भाई विसर्ग संधि का, चलो आप बता दो यार फटाफट कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है, बिल्कुल यहां पर ए आंसर होगा। देखो दो तीन चार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया था, तो यहां पर हरिश विसर्गधन चंद्र होगा, ये नियम नंबर मैंने तीन चार चार पांच और छह वाला नियम लागू हुआ है, सह आधा आ जाएगा यहां, ठीक है ना, एक आंसर होगा विसर्ग संधि का उदाहरण है। भयंकर नहीं होगा, निष्ठुर नहीं है, युधिष्ठिर नहीं है, मनोयोग है, मनयधन योग, फोर्थ आंसर होगा। आगे मनोहर में कौन सी संधि है, तो फटाफट से बताइएगा मनोहर में कौन सी संधि है भाई, विसर्ग संधि है, मनय धन हर, एक एक का संधि विच्छेद होगा एक धन एक, ये बहुत बार आता है, और इसमें अगर अपन संधि देखें तो इसमें वृद्धि संधि होती है, कौन सी संधि होती है भाई, वृद्धि संधि, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलो भाई, सोना नहीं है भाई, सोना नहीं है, यदि विसर्ग के छह या छह हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो विसर्ग सह में बदल जाएगा, सह से ये रहा भाई, ठीक है ना, इस सह में, यानी जो सलगम वाला सह है ना उसमें बदलेगा, दो आंसर होगा इसका, क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निराशा का संधि विच्छेद होगा नीह धन आशा, क्या होगा भाई, नीय धन आशा होगा, वेरी गुड, निर्विकार, बिल्कुल विसर्ग संधि है और संधि विच्छेद होगा नीय धन विकार, निर्विकार का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, नीय धन विकार होगा। ऐसे ही
निर्धन में है और निर्धन का संधि विच्छेद होगा नियधन धन, निर्धन का क्या होगा नियधन धन, यशोदा का अगर संधि विच्छेद करें तो यश धन दा, फोर्थ आंसर होगा। और आगे बढ़ते हैं, अपेक्षा, अपेक्षा में कौन सी संधि है तो आपसे पूछा जा सकता है कि अपेक्षा में है तो यहां पर गुण संधि है अपधन इच्छा है ना। चिन्मय, चिन्मय का जो संधि विच्छेद है वो होगा चित प्लस मय, दो आंसर होगा, तीसरे का पहला सॉरी यहां पर पांचवे का पहला और पहले का पांचवा लगेगा, ठीक है। आगे उत प्लस स्वच्छन, वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था ना वो नियम है, तो यहां पर इसका सही संधि शब्द होगा उच्छ्वसन, यानी दो आंसर होगा इसका, ठीक है दोस्तों। गवीस में का ठीक संधि क्रमांक होगा तो गवीस में गो प्लस ईस होगा, ठीक है ना, वीस में से ईस निकाल लो, वे के बाद में है तो एक मात्रा लगा दो, गो प्लस ईस, दो आंसर होगा। इनमें से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है तो बताइएगा कौन से शब्द में नहीं है, तो निडर में विसर्ग संधि नहीं है, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, रमा प्लस ईस, तस प्लस अते, अतः प्लस ए, बहुदीय बहुत प्लस, तो यहां पर सही आंसर रमेश का होगा क्योंकि रमा, रमेश का राम प्लस ईस नहीं रमा प्लस ईस होगा। और किस शब्द में संधि नहीं हुई है, सज्जन, जलज, काजल, तो यहां पर तो स्टार लगा लो इस पे क्योंकि जलज और काजल दोनों ही है, दोनों अपवाद माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था, यानी महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थे। अगर आप इस प्रकार से शेयर और लाइक करते रहोगे तो अच्छे से सेशन आपके लिए, वाईफाई पूरी प्लानिंग कर रखा है, वो दिन दूर नहीं है जब आप यूपी पुलिस की वर्दी नहीं पहन पाओगे। इसके साथ ही साथ आपको पता ही है अपने टेस्ट सीरीज चालू कर दिए, यूपी पुलिस का जो बूस्टर है तो आप उसे भी खरीद सकते हो, अनअकैडमी पर जाकर अपना जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अपना फॉर्म फिल करो, जल्दी जल्दी अपनी सीट जो है सुनिश्चित करो, तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। देखो कंजूसी के नाम शब्द नहीं है, सोना कुछ भी नहीं है, 20 दिन की बात है, बिल्कुल फिर कुछ दिनों बाद में यही काम रहेगा सोने का ही, ठीक है ना, दरोगा जी बनने के बाद में। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे देख सके। धन्यवाद दोस्तों।